हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद सार्क, वेलकम्स यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 331 से 345 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 331। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 331 में पूछा गया है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रिजल्ट्स ऑफ हॉट वर्किंग। तो हॉट वर्किंग के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। तो यहाँ पर फिर भी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हॉट वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर जो सरफेस फिनिश है वो हमारी पुअर होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंप्रूवमेंट इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट होता है क्योंकि हॉट वर्किंग है, क्योंकि उसके अंदर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उसके अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो रिफाइनमेंट होता है। क्लो टॉलरेंस ऑप्टेन। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, इन हॉट वर्किंग देयर इज लॉस ऑफ मेटल बाय स्केलिंग एंड फाइन डाइमेंशनल टॉलरेंस कैन नॉट बी अचीव। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन ऑफ पोरोसिटी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आप लोग यहाँ से रीड कर लेना। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो वो वाला जरूर देख ले, क्योंकि वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 332। तो इसमें पूछा गया है, द इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू बी सक्सेसफुली रोल्ड और फोर्ज्ड इज। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो जिसको हम सक्सेसफुली रोल किया जा सकता है। तो रोलिंग के अंदर हमने देखा था कि दो रोल्स होते हैं और उन रोल्स के बीच से हम किसी भी मेटल बार को पास कराते हैं, यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर ये हमारे दो रोल्स होते हैं, इनके बीच से हम मेटल जो बार है या ब्लेड है उसको हम यहां से पास कराते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था कि ये किस तरीके से आई सेक्शन में बन जाते हैं, एल सेक्शन बना सकते हैं, और जिनका क्रॉस सेक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो उनको हम इसके रोलिंग के द्वारा इजीली बना सकते हैं। तो यहां पर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख सकते हैं, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, जब हम उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कितना इजीली डिफॉर्म हो सकता है वायर के रूप में, जैसे हम लोग देख सकते हैं। तो और ये ब्रिटलनेस क्या होती है, यह वह मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि कोई भी मटेरियल जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो वो कितना इजीली ब्रेक हो सकता है। मतलब जैसे कास्ट आयरन के ऊपर जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या फिर कोई लोड लगाते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है हमारा विदाउट क्रैक इनिशिएशन, बिना क्रैक के ही वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं आता उसके अंदर कि ये ब्रेक होने वाला है, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है पहले, उसके बाद वो फ्रैक्चर होते हैं या ब्रेक होते हैं, ठीक है। और मैलिबिलिटी क्या होती है, मैलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड दैट इंडिकेट्स हाउ इजिली अ मटेरियल डिफॉर्म्स अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैलिबिलिटी सॉलिड मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो इंडिकेट करती है कि कोई भी मटेरियल कितना इजीली डिफॉर्म हो सकता है जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं उसके ऊपर। तो मैलिबिलिटी इज ऑफन क्लासिफाइड बाय द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म थिन शीट्स। तो मैलिबिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो बताती है कि उस मटेरियल को हम कितना इजीली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय हैमरिंग और रोलिंग। तो दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, मैलिएबिलिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 333। इसमें पूछा गया है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा वो देखना है हमें। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर लेते पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग हॉट वर्किंग के बारे में डिस्कस किए थे, यहाँ पर कोल्ड वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस वह प्रोसेस होती है मेटल फॉर्मिंग की जिसको हम
रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा मेटल का वो कहाँ होगा, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, द प्रोसेस परफॉर्म ऑन मेटल आर टर्म्ड एज कोल्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है वो हमारी कौन कौन सी होती है, ड्रॉइंग हो गई, स्क्वीजिंग हो गई, सियरिंग हो गई, शॉर्ट पिनिंग हो गई, हॉबिंग हो गई, बेंडिंग हुई, कोल्ड एक्सट्रूजन। तो ये हमारी क्या है, कुछ कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखिए यहाँ पर मेटल जो है हमारी क्या है कोल्ड कंडीशन में, तो उसको हैंडल करना बहुत ही इजी होगा, और इसके अंदर कोल्ड कंडीशन में है हमारी मेटल वर्कपीस, तो उसके ऊपर कोई भी स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा, स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी होगी, तो गुड सरफेस फिनिश एंड बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी। और यहाँ पर कोल्ड वर्किंग है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, एनर्जी सेविंग सिंस हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी सेव हो जाती है, लेकिन जो उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें वो बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर। स्ट्रेंथ फटीग एंड वियर प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड, मिनिमम कंटेमिनेशन बिकॉज ऑफ लो वर्किंग टेम्परेचर, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द सरफेस, इकोनॉमिकल फॉर स्मॉलर साइजेस, ये किसके लिए, स्मॉलर साइजेस के लिए इकोनॉमिकल होती है, हाईली सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन, मास प्रोडक्शन और ऑटोमेशन के लिए सुटेबल होती है बिकॉज ऑफ द लो वर्किंग टेम्परेचर, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई कोल्ड वर्किंग। तो इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, जो हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनको उन प्रॉपर्टीज को हम इस कोल्ड वर्किंग के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। थिन गेज शीट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब इसके जो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो क्या है, डिफिकल्टी ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड, मेटल को डिफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये हमारी जो मेटल है वो कोल्ड कंडीशन में रहती है, तो कोल्ड कंडीशन में किसी भी मेटल को डिफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, मतलब उसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर या ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बात ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिफॉर्मेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाई, सो रग्ड एंड मोर पावरफुल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, दस इक्विपमेंट कॉस्ट हाई, तो इक्विपमेंट कॉस्ट हाई हो जाती है हमारी। सीवियर स्ट्रेसेस ऑफ सेटअप, इसके अंदर क्योंकि हम कोल्ड वर्किंग कंडीशन में कर रहे हैं उसको, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको डिफॉर्म करने के लिए, तो उसके अंदर जो सीवियर स्ट्रेसेज है वो सेटअप हो जाती हैं, तो दिस रिक्वायर स्ट्रेस रिलीविंग, जिसके लिए हमें स्ट्रेस रिलीविंग की रिक्वायरमेंट होती है, विच इंक्रीजेज द कॉस्ट, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। ओइंग टू लिमिटेड डक्टिलिटी एट रूम टेम्परेचर, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप्स दैट कैन बी रेडली प्रोड्यूस्ड इज लिमिटेड, कोल्ड वर्किंग फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन रिक्वायर सेवरल स्टेजेस विद इंटर स्टेज एनीलिंग विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसके अंदर हमें स्ट्रेस रिलीविंग के लिए एनीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे जो लिखे थे वही हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोड्यूसेज एन इंप्रूव्ड सरफेस फिनिश एंड क्लोजर डायमेंशनल टॉलरेंसेज, इसके अंदर क्लोजर डायमेंशनल टॉलरेंसेज हम अचीव कर सकते हैं और सरफेस फिनिश अच्छी होती है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग एंड यूज प्रोडक्ट, इसके द्वारा एंड यूज प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सिंस रिक्रिस्टलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन कोल्ड वर्किंग द ग्रेन आर परमानेंटली डिस्टोर्टेड, जो ग्रेन्स हैं वो परमानेंटली डिस्टोर्टेड हो जाते हैं इसके अंदर। ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस आर सेटअप एज देयर प्रेजेंस इज अनडिजायरेबल, सूटेबल हीट ट्रीटमेंट इज जनरली नेसेसरी, तो इसके अंदर जो रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस सेटअप हो जाती हैं उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जैसे एनीलिंग हो गई। नेक्स्ट है कोल्ड फॉर्मिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर एक्सिसिमेट्रिकल कंपोनेंट सच एज शाफ्ट कंपोनेंट, फ्लैंज्ड कंपोनेंट, फिनिश्ड गियर्स एंड बियरिंग रेसेस, तो इसके द्वारा हम ये वाले कंपोनेंट्स बना सकते हैं कोल्ड फॉर्मिंग के द्वारा। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं हम, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, तो इसके द्वारा हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और हार्डनेस भी बढ़ जाती है। इंप्रूव्ड सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश अच्छी होती है, क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस, ग्रेन स्ट्रक्चर इज अनएफेक्टेड, तो ग्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है हमारा डिस्टोर्टेड हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर यही हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन यील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कोल्ड वर्किंग कंडीशन में उसको
डिफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर ग्रेन स्ट्रक्चर क्या है, अनअफेक्टेड। तो ग्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है कंप्लीटली। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ग्रेन्स आर परमानेंटली डिस्टोर्टेड, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 334, इसमें पूछा गया है द इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर एक्सट्रूशन पर्पज इज। तो एक्सट्रूशन पर्पज के लिए हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, तो एक्सट्रूशन के अंदर हम क्या करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए एक्सट्रूशन में क्या होता है, इस तरीके से हमारी एक डाई होती है, ये ऊपर एक डाई लगी रहती है हमारी और ये एक नीचे डाई लगी रहती है। यहां पर ये इस तरीके से ये डाई हमारी फिक्स रहती है और यहां पर क्या होता है हमारी ये मेटल होती है यहां पर, ठीक है, यहां पर हमारी मेटल होती है। जब इस मेटल को हम फोर्स करते हैं, इसमें यहां पर रैम की सहायता से इसको फोर्स करते हैं, तो और इस डाई के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस है वहां से इसको पास कराते हैं, जिसके द्वारा इसकी डायमीटर हमारी क्या होती है, रिड्यूस होती है, एक्सट्रूशन में एक्सट्रूड करते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेटल है वो कैसे डिफॉर्म हो रही है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्लास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर मटेरियल हमारा क्या हो रहा है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा। यहां से जब हम इसको पास कराएंगे तो क्या होगा, उसके शेप और साइज में चेंज आ रहा है और वो शेप और साइज में जो चेंज है वो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है, जो प्लास्टिसिटी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 335, द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, हमारी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती है, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो जब हार्डनेस इंक्रीज होती है तो उस हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर बर्क हार्डनिंग, ठीक है। बर्क और स्ट्रेन हार्डनिंग इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल subjected to plastic deformation at temperature lower than the recrystallization range or cold working। तो इसके अंदर ये strain hardening एक ऐसा phenomena है जिसके द्वारा क्या होती है, strength या hardness increase हो जाती है जो metal piece है उसकी, किसके कारण, plastic deformation के कारण, क्योंकि उसको हम lower या recrystallization temperature से नीचे perform कर रहे हैं उस operation को, तो इसलिए उसके अंदर क्या है, hardness और स्ट्रेंथ उस मेटल की इंक्रीज हो जाती है। जब मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है उस मेटल के ऊपर, जिसके कारण वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। तो जब हम उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वही जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किसका काम करती है, उस मेटल वर्क पीस की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। दिस एडिशनल एनर्जी इन अ क्रिस्टल रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग और वर्क हार्डनिंग ऑफ द सॉलिड। दस वर्क हार्डनिंग में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज हार्डनेस एकम्पनाइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दिस इंक्रीज इन हार्डनिंग is accompanied by an increase in both tensile and yield strength। इसके कारण क्या होता है, उस मेटल वर्क पीस की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और यील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। वर्क हार्डनिंग रिड्यूसेस डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। इसके कारण डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्लास्टिसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। वर्क हार्डनिंग इज यूज्ड इन मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज रोलिंग ऑफ वायर एंड ड्रॉइंग ऑफ ट्यूब्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इम्प्रूव द इलास्टिक स्ट्रेंथ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी पार्ट सच एज प्री स्ट्रेचिंग ऑफ होइस्टिंग चेन्स एंड केबल्स, इनिशियल प्रेशराइजेशन ऑफ प्रेशर वेजल्स, सिलेंडर्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस एंड गन्स। तो इस प्रकार के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं जिनके अंदर इलास्टिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्क हार्डनिंग।
इसके बाद नेक्स्ट है 336, तो इसमें पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्सट्रूशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हॉट एक्सट्रूशन और दूसरी होती है कोल्ड एक्सट्रूशन। तो हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस के अंदर दो प्रकार के प्रोसेस होती है, एक फॉरवर्ड एक्सट्रूशन और एक होती है बैकवर्ड एक्सट्रूशन। इसको डायरेक्ट एक्सट्रूशन भी बोलते हैं और इसको इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन भी बोलते हैं। और कोल्ड एक्सट्रूशन के अंदर भी यही होती है, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन के अंदर आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन और बैकवर्ड के अंदर आता है इंपैक्ट एक्सट्रूशन एंड कोल्ड एक्सट्रूशन या कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर हमारी एक डाई लगी होती है, ये डाई असेंबली होती है वो यहाँ पर फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो अब और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम क्या रखते हैं, एक मेटल वर्क पीस को रखते हैं इसके अंदर, और यहाँ से रैम की सहायता से हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो थोड़ी सी जो ओपनिंग होती है डाई के बीच में वहां से हम उस मेटल को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रैम है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसके यहाँ से हम इसको फ्लो करवाएंगे, तो इस पर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जब ये जो मेटल वर्क पीस है जब हमारा क्या करेगा आगे की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो कंटेनर की वॉल है और ये जो मेटल वर्क पीस की सरफेस है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस प्रोसेस ए बिलेट ऑफ द मटेरियल टू बी एक्सट्रूडेड इज प्लेस्ड इन द कंटेनर एट वन एंड ऑफ द कंटेनर इज फिक्स्ड, जो वन एंड है वो फिक्स्ड रहता है ए डाई, व्हाइल फ्रॉम द अदर एंड द मेटल इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द डाई बाय हाइड्रोलिकली ड्रिवन रैम। तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज करते हैं, मैकेनिकल प्रेसेस का यूज हम किस लिए करते हैं, लाइट वेट के लिए, और हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज करते हैं हम हैवी वेट के लिए। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, मैं इसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। यहां पर देखिए मच वर्क मस्ट बी सप्लाइड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड हाई फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन द बिलेट एंड द बॉल ऑफ द कंटेनर। जो ये हमारा बिलेट है या मेटल पीस है और जो बॉल है कंटेनर की, उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन इज पर्टिकुलरली सीवियर इन केस ऑफ स्टील बिकॉज ऑफ देयर हायर एक्सट्रूशन टेम्परेचर। स्टील के केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रिक्शन की। टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन लुब्रिकेशन आर टू बी यूज। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, ये एक्सट्रूड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बैकवर्ड एक्सट्रूशन में देखें, बैकवर्ड या इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में देखें, तो यहाँ पर ये हमारा एक सिलेंडर कंटेनर होता है, ये फिक्स्ड रहता है, तो और यहाँ पर इसी के इस सिलेंडर कंटेनर के अंदर हमारा ये जो मेटल वर्क पीस है या बिलेट है उसको हम प्लेस करते हैं, और उसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक हॉलो डाई लगाते हैं, इसके अंदर हॉलो डाई रहती है और जो डाई है वो हमारी प्लंजर और रैम के साथ अटैच रहती है। अब क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये जो मेटल है वो हमारी फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो डिफॉर्म हो रही है वो हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है मेटल। तो यहाँ पर देखिए हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी मेटल क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इन दिस प्रोसेस द मेटल इज कन्फाइंड फुली बाय द सिलेंडर, द रैम विच हाउसेज द डाई इज हॉलो प्लंजर और रैम, इट इज टर्म्ड बैकवर्ड एंड इनडायरेक्ट और इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल टू दैट ऑफ द रैम मूवमेंट। तो ये इसमें जो रैम का मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारी मेटल फ्लो होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बैकवर्ड एक्सट्रूशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 337 में पूछा गया है हॉट वर्किंग ऑपरेशन इज कैरीड एट, तो हॉट वर्किंग ऑपरेशन हम कहां करते हैं, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी रोल फॉर्जिंग, तो रोल फॉर्जिंग क्या होती है ये समझते हैं पहले। देखिए
ये हमारी रोल पोजिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रोल पोजिंग रोल्स इज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। इस बार का क्रॉस सेक्शन हम रिड्यूस करते हैं रोल पोजिंग के द्वारा, ठीक है। ओवर ए डिजाइंड लेंथ टू प्रोड्यूस टेपर और टेपर ऑन इट्स सरफेस ओवर ए सर्टेन लेंथ। तो टेपर सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। द मशीन इज यूज्ड रोल फोर्जिंग मशीन एंड कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल रोल। इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल रोल्स रहते हैं, और यहाँ पर ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं रहते हैं, कंप्लीट सर्कुलर नहीं रहते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक सेक्शन बनाया जाता है, फ्लैट सेक्शन बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मेटल वर्क पीस है वो क्या है, इसके अंदर अच्छे से जा सके, ठीक है। और वहां से इसके द्वारा इसके ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज होती है। तो कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल रोल्स अरेंज डायरेक्टली ओवर ईच अदर, दीज रोल्स आर नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, अबाउट हाफ ऑफ मोर पोर्शन ऑफ दीज रोल्स इज कट अवे टू अलाउ द स्टॉक टू एंटर थ्रू देम। इसलिए जो स्टॉक है वो इनके अंदर एंटर कर सके, इसलिए हम उसको कट कर देते हैं। वन और मोर सेट्स ऑफ ग्रूव अकॉर्डिंग टू द शेप रिक्वायर्ड ऑन द जॉब सरफेस आर अरेंज्ड ऑन द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोल्स। द टोटल रिडक्शन अकम्प्लिश्ड इन सेवरल स्टेज। जो टोटल रिडक्शन है, जितना हमें रिक्वायर्ड है रिडक्शन, वो हम कभी दो प्रोसेस में प्राप्त कर लेते हैं, कभी तीन में, कभी चार में, वो जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोसेस के ऊपर परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रोल फोर्जिंग के अंदर, इट इज द फोर्जिंग मेथड फॉर रिड्यूसिंग द डायमीटर। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा क्रॉस सेक्शन बार की जो डायमीटर है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और लेंथ हमारी यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 339। तो 339 में पूछा गया है, सिलिंड्रिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट्स इज नॉन एज। कोई एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है हमारा, सपोज ये हमारा एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है, इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीमलेस जॉइंट या सीमलेस पाइप। जो हम लोगों ने सीमलेस पाइप पढ़े थे, सीमलेस पाइप्स के बारे में देखा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, सीमलेस जॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 340, सीमलेस ट्यूब्स आर मेड बाई। सीमलेस ट्यूब्स को हम किसके द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, पियर्सिंग के द्वारा हम सीमलेस ट्यूब्स को बनाते हैं। रोलिंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग पियर्स्ड सीमलेस ट्यूबिंग। द रोटरी पियर्सिंग इज कैरीड आउट इन अ मैनेजमेंट मिल। ये हमारा एक प्रकार का मैनेजमेंट मिल है। ये यहाँ पर क्या होता है, जो रोल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, टेपर सेक्शन के हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस सीमलेस ट्यूबिंग सिलिंड्रिकल ब्लेड ऑफ द स्टील आर पास बिटवीन टू कॉनिकल शेप रोल्स ऑपरेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच से हम इस ब्लेड को पास कराते हैं, और ट्यूब बनाना है तो इसके अंदर से हम मैंडल भी पास कराते हैं। बिटवीन दीज रोल्स ए फिक्स्ड पॉइंट और मैंड्रल विच असिस्ट इन द पियर्सिंग एंड कंट्रोल द साइज ऑफ द होल एज द बिलेट इज फोर्स्ड ओवर इट। द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द मेकिंग सीमलेस ट्यूबिंग एज शोन इन द फिगर। इसमें हम देख सकते हैं, द सॉलिड बिलेट इज फर्स्ट सेंटर पंच्ड एंड देन ब्रॉट टू द फोर्जिंग हीट एंड इन अ फर्नेस बिफोर बीइंग पियर्स्ड। तो इसमें सबसे पहले जो ब्लेड है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रली पंच्ड करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद उसको हीट करते हैं बिफोर पियर्सिंग। पियर्सिंग से पहले हम उसको हीट करते हैं। द ब्लेड इज हीटेड अबाउट 1250 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम हीट कब तक करते हैं, 1250 डिग्री सेल्सियस तक, टू प्रोड्यूस अन एडिक्वेट डिग्री ऑफ ड्यूरेबिलिटी, एडिक्वेट डिग्री ऑफ डक्टिलिटी। द ब्लेड इज देन पास्ड इन टू द टू पियर्सिंग रोल। उसके बाद हम पियर्सिंग रोल्स के बीच में उसको पास कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पियर्सिंग और ट्यूब रोलिंग, ठीक है। इसके द्वारा हम ट्यूब्स बनाते हैं। द ब्लेड एंटरिंग द पियर्सिंग मिल मेक्स स्मॉल एंगल विद ईच ऑफ द पियर्स या वर्क रोल
बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइंड पोजिशन ऑफ द रोल्स इन रेफरेंस टू द ब्लेड द मोशन इम्पार्टेड टू द लेटर आर साइमल्टेनियस रोटेशन एंड एक्सियल एडवांस। तो ये होती है हमारी पियर्सिंग। इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, सीमलेस ट्यूब्स बनाते हैं जिनके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 341। इसमें पूछा गया है द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द बर और फ्लैश फ्रॉम द फोर्ज्ड पार्ट इन ड्रॉप फोर्जिंग इज नॉन एज। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, फ्लैश आ जाता है इस तरीके से, उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग इज एन ऑपरेशन यूज टू रिमूव फ्लैश ऑन द वर्क पार्ट इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। द मोस्ट केसेस ट्रिमिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय द शियरिंग। जो ट्रिमिंग है वो ज्यादातर किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, शियरिंग के द्वारा। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इसमें डाई, जो कटिंग एजेस है, कटिंग डाई है, वहां पर रखते हैं और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लैश है या जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। इन विच अ पंच फोर्स द वर्क थ्रू ए कटिंग डाई द ब्लेड्स फॉर विच हैव द प्रोफाइल ऑफ द डिजायर्ड पार्ट। ट्रिमिंग इज यूजली डन वाइल द वर्क इज स्टिल हॉट। ट्रिमिंग हम करते हैं कब करते हैं, जब जो वर्क पीस है वो हमारा गर्म कंडीशन में रहता है, हॉट कंडीशन में रहता है। विच मीन्स दैट सेपरेट ट्रिमिंग प्रेस इज इंक्लूडेड एट ईच फोर्जिंग हैमर और प्रेस। इसमें जो ट्रिमिंग प्रेस है वो एक सेपरेट ट्रिमिंग प्रेस हम ऐड करते हैं हर एक ऑपरेशन में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिमिंग। नेक्स्ट है 342। इसके अंदर पूछा गया है मेटेलिक कैंस आर यूजली मास प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहां पर समझते हैं हम, इसमें जो मेटेलिक कैंस है वो स्पिनिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहां पर देखिए, मेटल स्पिनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सर्कल ऑफ मेटल आर शेप्ड ओवर मैंड्रल ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्स वाइल माउंटेड ऑन द स्पिनिंग लेथ बाय द एप्लीकेशन ऑफ लीवर्ड फोर्स विद वेरियस टूल्स। तो यहाँ पर ये टूल है, इस टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और ये हमारी लेथ है। लेथ के अंदर हम जो वर्क पीस है या जो प्लेट है उसको फिक्स करते हैं और उसको फिर रोटेट करते हैं, और यहाँ से इस टूल की सहायता से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसा शेप हमें इसको देना है वो हमें यहाँ से जो टूल है उसकी सहायता से फोर्स अप्लाई करेंगे। स्पिनिंग समटाइम्स कॉल्ड स्पिन फॉर्मिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस यूज्ड टू फॉर्म सिलेंड्रिकल पार्ट्स बाय रोटेटिंग पीस ऑफ शीट मेटल व्हाइल फोर्सेज आर अप्लाइड टू वन साइड। एक साइड ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए शीट मेटल डिस्क इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड व्हाइल रोलर प्रेस द शीट। जो रोलर है वो इसको प्रेस करता है अगेंस्ट द टूल कॉल्ड द मैंड्रल टू फॉर्म द शेप ऑफ द डिजायर्ड पार्ट। तो इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए, हॉलो शेप्स बना सकते हैं, सिमेट्रिकल शेप बना सकते हैं सच एज सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, मेटेलिक कैंस, कुक वेयर, हब कैप, सैटेलाइट डिशेज, रॉकेट नोज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारी चीजें हम क्या इसके द्वारा बना सकते हैं, मेटल स्पिनिंग के द्वारा। ये हैंड मेटल स्पिनिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 343। इसमें पूछा गया है स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट ऑन। तो स्पिनिंग ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किया जाता है, लेथ मशीन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टूर्स इन फ्लैट ब्लैंक्स इज टर्म्ड एज। फ्लैट ब्लैंक्स के अंदर कॉन्टूर्स जब हम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर देखिए, ये इस तरीके के हम ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, ये हमारी एक प्रकार की सीट होती है और पंच की सहायता से जितना मटेरियल हमें निकालना है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये जो पार्ट है वो हमारा क्या निकल के आता है, स्क्रैप पार्ट होता है। ये हमारे क्या बनते हैं, इसके अंदर सीट मेटल के अंदर कॉन्टूर्स बन जाते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाते हैं, हम ब्लैंकिंग के द्वारा। और ये जो पार्ट हमारा निकल के आया है ये क्या कहलाता है, ब्लैंक कहलाता है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट कहलाता है। और ये हमारा स्क्रैप हो जाता है। लेकिन पंचिंग के अंदर क्या होता है, जो ये जो
ब्लैंक जो निकल रहा है वो हमारा स्क्रैप होता है, और जो होल बने हुए हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फिनिश्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लैंकिंग के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व कटिंग ऑफ शीट मेटल अलोंग ए क्लोज्ड आउटलाइन इन अ सिंगल स्टेप टू सेपरेट द पीस फ्रॉम द सराउंडिंग स्टॉक। द पार्ट दैट इज कट आउट इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट इन द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ब्लैंक। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्लैंकिंग। नेक्स्ट है 345, इसमें पूछा गया है थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक। तो थ्रेड रोलिंग क्या किस प्रकार से होती है वो देखते हैं यहां पर। थ्रेड रोलिंग में क्या होता है, थ्रेड रोलिंग के द्वारा हम नट या बोल्ट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। द थ्रेड्स आर परफॉर्म्ड ऑन राउंड रॉड्स और वर्क पीस बाई पासिंग देम बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग डाइज। टिपिकल प्रोडक्ट्स मेड बाई दिस प्रोसेस इंक्लूड स्क्रू बोल्ट सिमिलर थ्रेडेड पार्ट्स। तो यहां पर देखिए, ये हमारा सर्कुलर डाई है या फिर जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच से हम इसको पास कराते हैं, जो मेटल है या जो रॉड है उसको हम इसके बीच से पास कराएंगे और इनके ऊपर क्या बने रहते हैं, थ्रेड्स बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो तो हमारा रिमूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो इस वर्क पीस के ऊपर जो होल्स हैं जिनके ऊपर थ्रेड्स बने रहते हैं, तो वो थ्रेड्स हमारे क्या है, इस रॉड के ऊपर बन जाते हैं जब हम इन दोनों के बीच से इसको पास कराते हैं रॉड को। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको पास कराते हैं, ये हमारा ब्लैंक है, इसके ऊपर थ्रेड्स बनाने हैं, तो इन दोनों के बीच से हम पास कराएंगे दोनों डाई। ये मूविंग डाई है, ये फिक्स्ड डाई है, और यहाँ से इसके ऊपर से जब हम पास कराएं तो इसके अंदर हमारे थ्रेड्स बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं इसके द्वारा। द थ्रेड रोलिंग प्रोसेस जनरेट थ्रेड्स विदाउट एनी लॉस ऑफ मेटल एंड विद ग्रेटर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द कोल्ड वर्किंग इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू दैट मेड बाय द थ्रेड कटिंग एंड इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एक्सटर्नली थ्रेडेड फास्टनर। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी किसकी तरह है, कोल्ड रोलिंग की तरह है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड रोलिंग। आज के लेक्चर में यहीं तक, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।